तीनों बुक में जैसे ये फर्स्ट बुक है होली पुलिस, इसमें तो वेयर द मॉन्क इज बॉर्न ये पहला चैप्टर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कैरेक्टर एक मॉन्क की तरह है, स्पिरिचुअल कैरेक्टर है, तो वो जहाँ बॉर्न हुआ था जिस एरिया में जिस परिवेश में उसका कैसा माहौल था और कैसे उसके कैरेक्टर को सेव किया, तो ये जो चैप्टर है वेयर द मॉन्क इज बॉर्न उसको मैं काफी लाइक करता हूँ। और सेकेंड बुक में एक चैप्टर है विजिट ऑफ एलियंस होम, वो कैरेक्टर एलियंस के घर में जाता है, एलियंस उसको ले जाता है, एलियंस जिस प्लेनेट पे रहता है वो प्लेनेट काफी डेवलप्ड है, प्लेनेट पे जाके ये कैरेक्टर ये लर्न करता है कि क्या मैं अपने प्लेनेट को भी अपने कंट्री को भी इसी तरह का बना सकता हूँ क्या। तो वहां जाकर के मेरा एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है एलियंस का कैसा घर होगा, उस घर को मैं उसमें डिस्क्राइब किया हूँ और वैसा ही स्टेट मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। ऐसे करके कैरेक्टर जो वहाँ विजिट किया और वहाँ सब कुछ अलग अलग चीज देखा, अलग अलग डेवलप्ड चीज देखा, तो काफी इंस्पायर्ड हुआ। तो वो जो चैप्टर है विजिट ऑफ एलियंस होम ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस बुक में चैप्टर नंबर 4 या 5 है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये चैप्टर मुझे काफी इंस्पायर किया, तो मैं हमेशा पढ़ता हूँ और इस बुक्स को मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। ये चैप्टर्स है, चैप्टर्स मुझे खुद भी काफी इंस्पायर करते हैं कि जब आप बुक्स लिख लेंगे, अच्छा एक स्ट्रेच में तो आप 150 वर्ड लिखते हैं 200 वर्ड लिखते हैं, जब ये लिखते 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 70,000 हो जाता है और तब आप जब खुद उस बुक को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये राइटिंग कैसे संभव हो पाया, मतलब राइटर को भी सरप्राइज होता है क्योंकि आपने तो स्मॉल डेली कंसिस्टेंट एफर्ट मेक अ सुनामी रिजल्ट, मतलब आप तो स्मॉल डेली कंसिस्टेंट एफर्ट किए, जब वो सुनामी बन गया एक बुक तैयार हो गया तो आपको खुद ही मन होगा और आप खुद ही सरप्राइज होंगे यार इस चीज में कैसे लिख दिया। तो ये चीजें होती है, ये चीजें, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि किसी भी काम में थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस डेली करना चाहिए, उसी से आदमी सक्सेस होता है। मतलब आप अगर ये सोचेंगे, जैसे जो भी कोई एस्पायरिंग ऑथर है वो अगर ये सोचेगा कि यार इतना बड़ा बुक मैं कैसे लिखूंगा, कभी नहीं लिख पाए। यू स्टार्ट विथ 100 वर्ड्स एंड कंसिस्टेंटली यू कीप राइटिंग 100 वर्ड्स एवरी डे, यू विल गेट अ बुक आफ्टर 6 मंथ। यही चीज है, ऐसे कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए और उसी मोटिव पे मैं चल रहा हूँ और मैं काफी इंस्पायर होता हूँ अपना बुक पढ़ के, क्योंकि जब आप एक बुक पढ़ते हैं ना और खुद ही इंस्पायर होते हैं, आप ये चीज फील कर सकते हैं कि दूसरा भी पढ़ता होगा तो ऐसे ही इंस्पायर होता हूँ। जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आप मतलब एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और आप एक इंडिपेंडेंटली अपना ये बुक पढ़ के देखिए, अगर आपको इंस्पायर करता है तो इसका मतलब है कि यू हैव रिटन इट वेल, दूसरे को भी इंस्पायर करेगा, तो ये चीज मुझे लगता है।